हेलो जी नमस्कार सलाम सचाल कैसे हैं आप सब लोग मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूं जी यू मस्ट नो सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड लेकर के शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस हम इसमें बनाते हैं ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके एन आप साथ रख लीजिए जब आप मेरा ये वीडियो देखने जा रहे हैं एनिमल किंगडम हम पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा फाइलम प्लेटी हेलमिंथस के बारे में

टीनोफोरा और सिलेटा पड़ा था वो डिप्लोब्लास्टिक थे तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और ये बाइलेट्रलि सिमेट्रिकल हैं बाइलेट्रल सिमेट्री होती है जब किसी जानवर के शरीर को आप दो बराबर भागों में बांट सकते हो बाय अ प्लेन विच इज रनिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सेज ऑफ द बॉडी ठीक है जी so, सो डॉसो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी हो गई इसमें ट्रिप्लो है आपको जो बॉडी कंडीशन मिला है एंड एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस फाइलम की कि इसमें बहुत सारी पैरासिटिक फॉर्म्स भी हैं है ना और पैरासिटिक फॉर्म्स जो होते हैं दे हैव हुक्स एंड सकर्स जैसे कि टेपवम ले लीजिए सोलियम पोर्क टेपम जो है सोलियम इट इज एन एंडो पैरासाइट सोलियम का लाइफ साइकिल डायजेनेटिक होता है मतलब दो होस्ट में कंप्लीट होता है एक होस्ट है ह्यूमन बींग और दूसरा होस्ट होता है पिग राइट नाउ फ्लेम सेल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस फाइलम फ्लेम सेल्स जो है दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें यहां पर देखने को मिलता है ओके okay. इसके अलावा अगर हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स हैं ये मेजोरिटी जो है हर्मेफ्रोडाइट हैं कुछ एक फ्लूक्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल जो है वो अलग होते हैं ये फाइलम जो है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं कुछ आ, इसके स्पीशीज जैसे प्लेनेरिया की बात कर लीजिए प्लेनेरिया हैज वेरी गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन ऑल्सो मेजोरिटी में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है और हर्मेफ्रोडाइट है ये है ना एंड uh, इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है देखने को मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर हम जैसे टेपम की बात करें टेपम हर्मेफ्रोडाइट है हर्मेफ्रोडाइट का मतलब हो जाता है दैट द सेम इंडिविजुअल प्रोड्यूज फंक्शनल मेल एंड फीमेल गैमीट्स तो उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है बिटवीन टू डिफरेंट प्रोग्लॉटिट्स

राइट right, जी हेग्जाकेंथ लारवा पहली स्टेज है Hexakenth के चारों तरफ जो है मेम्ब्रेन बन जाती हैं उसे ऑनकोस्फियर लार्वा कहते हैं ऑनकोसफियर लारवा जब पिग की इंटेस्टाइन में पहुंचता है मेम्ब्रेन डिजॉल्व हो जाती हैं पिग के बाइल जूस के कारण फिर वो पिग के स्केलेटल मसल्स में जाके अपने चारों तरफ एक सिस्ट बना लेता है जैसे हम सिस्टी सर्कस लार्वा या ब्लेडर वर्म भी कहते हैं राइट right, जी इस फाइलम को तीन क्लासेस में बांटा गया टर्बिलेरिया ट्रेमेटोडा एंड सिस्टोडा टर्बिलेरियंस जो है वो फ्री लिविंग होते हैं टर्बिलेरियंस इसलिए कहते हैं बिकॉज पानी में वो टर्बुलेंस ही क्रिएट करते हैं टर्बिलेरिया में एग्जाम्पल है प्लेनेरिया जुगेसिया गुंडा सेगमेंटीना वो भी इसी में आता है देन ट्रेमिटोडा में आती है फ्लूक्स जैसे ब्लड फ्लूक है शिस्टोसोमा हेमिटोबियम शिस्टोसोमा मानसोनी शिस्टोसोमा जेपोनिकम राइट सो फ्लूक्स जो है वो आती है ट्रेमेटोडा में सिस्टोडा जो है सिस्टोड जो है ये एक्सक्लूसिवली एंडोपैरासाइट्स हैं ये और इसमें आते हैं टेपवम जैसे पोर्क टेपवम हो गया दैट इज टीनिया सोलियम बीफ टेपवम होता है टीनिया सेजिनाटा, डॉग टेपवम होता है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस So, तो टीनिया, टीनिया, सेजिनाटा ये एग्जाम्पल्स याद रख लेना एनसीआरटी में प्लेनेरिया दिया हुआ है शिस्ट्रोसोमा दिया हुआ है एंटीनिया दिया हुआ है मतलब जीनस लिखे हुए आगे स्पीशीज नहीं लिखा हुआ सो ओवरऑल प्लेटी हेलमेंथस के बारे में ये इतनी बातें हैं जो आप याद कर लेना एंड एनसीआर टी आप साथ रख लीजिएगा जो एनसीआर में बातें लिखी हैं वही मैंने एक्सप्लेन करी हैं टिप्लोब्लास्टिक फाइलम बायोलेट्रली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें पाया जाता है बॉडी डॉसो वेंट्रली फ्लैटेंड है पैरासिटिक फॉर्म्स में हुक्स एंड सकर्स होते हैं अटैचमेंट के लिए होस्ट की बॉडी के साथ ठीक है जी चलिए सो so आज के लिए इतना ही यू मस्ट नो सीरीज में वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देख लीजिएगा मेरा टेलीग्राम का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप्स में अगर आप ऐड होना चाहते हैं स्टडी मटेरियल के लिए नोट्स के लिए मेरे वीडियो के लिंक्स के लिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं चलिए जी मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर अब आपसे विदा लेता हूं नमस्कार बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल स्टे सेफ बाय बाय